नमस्कार, आप देख रहे हैं NowBharatTimes.com और इस वक्त हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं पाव समथान, अनमोल, पलाश और पलक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस वक्त किस लिए मिल रहे हैं, क्यों मिले हैं, ये आप ही बताइए हमें, हमारे दर्शकों को। पार्थ, आपसे शुरू करते हैं। जी, हाल ही में हमने एक गाना लॉन्च किया है, म्यूजिक वीडियो, जिसका नाम है तू जो कहे, और बहुत ही अच्छी तरीके से गाया है। सिंगर का नाम है यासिर देसाई एंड वीडियो जिन्होंने बनाया है ये भाई साहब हमारे जो बगल में बैठे हैं, भाई साहब जिनका नाम है पलाश पलाश कॉम्बिनेशन हो गया था तो गलती से, और बोल लिखे हैं पलक जी ने, पलक मुछल जी ने। और इनमें इस वीडियो में मैं एक्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ फॉर अ चेंज अनमोल एक्ट कर रही है। सो यस, तो एक कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर हम आए हैं एक हमारा वीडियो जो सॉन्ग जो आउट हो चुका है उसको प्रमोट करने के लिए, विच इज बीन प्रेजेंटेड बाय टी सीरीज। ये बिल्कुल बॉलीवुड का एकदम नया यंग टैलेंट है जो संगीत से ताल्लुक रखता है। वैसे तीन लोग संगीत से हैं और इनका भी रुझान बहुत ज्यादा रहा है, इसलिए संगीत के ये भी काफी अच्छा गाते हैं। अच्छा, अरे अब देखो यहाँ पे मौका ये है, मतलब एक झलक तो होना चाहिए, तो आप लोग शुरू करें, मैं थोड़ा सा गिटार पास कर दीजिए। मुझको सजा दे या चाहे भुला दे, तुझ बिन जीऊं क्यों, बस इतना बता दे, चाहे हंसा दे या चाहे रुला दे, इतना ही चाहे बस अपनी बना दे। जो कहीं दुनिया बुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना दूं मैं, तू जो कहीं दुनिया बुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना दूं मैं। पार्थ, आप फिल्म भी कर रहे हैं जी, छोटे पर्दे पर भी काम कर रहे हैं और यहाँ पे एल्बम में भी काम कर रहे हैं, आपका सिंगल, तो मतलब क्या वजह थी जो इस गाने को चुना और इसमें एक्ट आपको करने का वो हुआ कि करना है? जी, एक्चुअली सॉन्ग इज द रीजन, सॉन्ग एक बहुत अच्छा रीजन था क्योंकि आपको बस वो छू गया, मतलब जब आपने पहली बार सुना कनेक्ट हो आप हो गए उससे, तो मुझे लगा कि ये सही गाना है। एक्चुअली ऑप्शन में थे दो तीन गाने, लेकिन ये गाना मुझे ऐसा लगा कि यार इंसान सुन सकता है इसे बार बार और अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। तो हमने बस जब मेरा डिस्कशन हुआ पलाश के साथ, हमने बस हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि एक स्टोरी सोचनी थी, कॉन्सेप्ट सोचना था कि इसके ऊपर क्या फिट हो सकता है, तो बस हमारा उसी को लेकर डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ और एक कॉन्सेप्ट फाइनलाइज किया। बहुत सारे आपको चाहने वाले जो दर्शक हैं वो आपकी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं जी, तो थोड़ा सा आपकी फिल्म के बारे में बताइए कि किस तरह की फिल्म है, क्या है, कब तक रिलीज होगी, कितनी शूट हो चुकी है, लोग बहुत बेसब्री से आपकी पहली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। जी, हालांकि बहुत वक्त गुजर चुका है इस फिल्म को लेकर, तो मैं बस इतना अश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इसी साल आएगी ये फिल्म, और 2017 में ही। टाइम पीरियड एग्जैक्ट मंथ में नहीं कह सकता क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इतनी मैं अश्योरिटी दे सकता हूँ कि फिल्म अच्छी बन रही है और अच्छी हो चुकी है। कॉमेडी रोमांस है और एंटरटेनिंग है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। आपका क्या क्या रूप दिखेगा फिल्म में, मतलब रोमांस करते जाएंगे, मतलब थोड़ा सा जो आशिक होगा वो किस अंदाज का होगा? जी, एक्चुअली इट्स ये जो फिल्म है वो इंटेंस रोमांटिक नहीं है, वो एक कॉमेडी रोमांटिक है, तो इसमें वो खुद जो किरदार है वो खुद एक एक्टर है, वो एक्टर बनना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है फिल्म में कि वो एक्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए उसका जो प्रोसेस है, जो स्ट्रगल प्रोसेस है, उसमें वो सात आठ कैरेक्टर प्ले करता है, एक बार रावण बनता है, एक बार कभी एक यूनक बनता है, तो कभी एक विलन बन जाता है, कभी गब्बर बनता है, तो हाँ, तो बहुत अच्छे अलग अलग किरदार उसमें करता है, और उसमें गाने जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे, बहुत अच्छे, स्पेशली यहाँ पे पलाश जी ने कंपोज किए हैं, जहाँ जहाँ वहीं पर हमारी मुलाकात हुई थी पहली बार, और बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं और पलाश जी ने गाया सॉन्ग, तो हाँ, तो अच्छा प्रोसेस, बट इसी साल देखने, मतलब ये तो सोने पे सुहागा कि एक ही फिल्म है और उसमें बहुत सारे रूप, मतलब लोग इंतजार करते हैं कि एक फिल्म आएगी और इसमें ये बनूंगा, मतलब ये बड़ा फायदे वाला, सात कैरेक्टर है फिल्म में, सुपर। इसके बाद क्या क्या, इस फिल्म के बाद क्या कुछ लाइनअप है जो आप बताना चाहें और खोलना चाहें वो पता कि अब मैं यहाँ ये भी कर रहा हूँ? जी, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सेकंड फिल्म अभी ऑन फ्लोर जाने वाली है दो तीन महीनों में,
तो ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि वो अच्छी फिल्म है और वो इंटेंस रोमांटिक है, वो ज्यादा रोमांस की ओर पड़ता है और उसके गाने बहुत अच्छे होने वाले, तो जस्ट लुकिंग आउट फॉर सॉन्ग्स फ्रॉम पलाश. पलाश सॉरी पलाश. आपसे अंतिम सवाल, आप बहुत यंग है पार्थ, और जैसी आपने करियर की शुरुआत की थोड़ी समय में आपसे बहुत सारे विवाद भी जुड़ गए, बहुत सारे चाहने वाले लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो विवाद में कितनी सच्चाई है. अभी पिछले दिनों भी आप खुद ही बताइए वो विवाद क्या था, क्या सच्चाई थी, अब क्या चाहिए. बहुत लंबी कहानी की मैं बताने जाऊँ की अच्छा कैसे शुरुआत हुई और क्या जो भी हुआ. मैं बस इतना कहना चाहूंगा की जो होता है वो इनोवा, मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छे के लिए होता है, बिकॉज ये सब चीजें अच्छी नहीं होती. एक इमेज को लेकर आप चाहते हो कि आपकी इमेज अच्छी रहे, आप चाहते हो कि ऑडियंस शुड लुक अप टू इट बिकॉज दे सी एज एन आइडल इन यू, सो यू वुडंट वांट योर इमेज टू बी स्पॉइल्ड इन सच अ वे. तो ऑल आई कैन डू इज कि मैं अपने काम से जवाब दूं, मैं अपने ज्यादा मीडिया में ना पढ़ के अपने काम के जरिए मैं लोगों को प्रूव करूँ दैट वॉट आई एम आई. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग एंड आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट. और रहा सवाल कॉन्ट्रोवर्सीज का, तो ये चलता रहता है. इट्स आप स्ट्रेस लेकर, आप टेंशन में आकर, आप खुद को स्ट्रेस नहीं दे सकते बिकॉज लाइफ जिंदगी बहुत बड़ी है, आपको करना बहुत कुछ है. तो आप अगर ये छोटे मोटे चक्करों में पड़ गए ना तो आपकी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी. सो यू जस्ट नीड टू मूव ऑन एंड बी फोकस्ड एंड बी पॉजिटिव. पार्थ इस इंटरव्यू में यहीं से जा रहे हैं, इनको जल्दी जाना है, लेकिन जाते आते बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं आपसे, बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे हैं, तो उनको अपना प्यार अपने शब्दों में या आपकी अपनी बात है जो आप कहना चाहें. जी मैं पहले तो एक बड़ा सा थैंक यू कहना चाहूंगा आप लोगों को कि हमारे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए इतना प्यार दिया, इतना आपने लाइक किया, शेयर किया, और करते रहिए. और अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो प्लीज देखिए तू जो कहे ऑन यूट्यूब, और बहुत ही जल्द टीवी पे भी आने वाला है. सो होप करते आप लोगों को पसंद आए और अनमोल की एक्टिंग स्पेशली आपको पसंद आए. सो यस, नो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द नॉन एक्टर इन मी, सो थैंक यू. सो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव, और आशा करते हैं कि आपका प्यार आगे भी बढ़ता रहे. जैसे कि हमने कहा कि हम और भी म्यूजिक वीडियो बनाएंगे कॉम्बिनेशन, तो देखते हैं अब क्या बन सकता है. क्योंकि म्यूजिक का इंटरव्यू है, आपके इंटरव्यू का समापन हो रहा है यहाँ पे, बाकी लोग से मैं बात करता रहूंगा, तो जाते आते एक गाना और ये बता रही थी कि आप भी गाना गाते हैं, तो तू जो कहे एक्सक्लूसिव हियर इन पार्थ्स वॉइस. ये तो बनता है बस, कैसे एक्सक्लूसिव हो गया कौन पास. अरे हम इंटरव्यू पे यही बोले कि ये एक्सक्लूसिव है. ये अभी गो पार्ट. अच्छा मुझको सजा दे या चाहे भुला दे, तुझ बिन जियो क्यों बस इतना बता दे. चाहे सजा दे या चाहे रॉन्ग लिरिक्स, ओ माय गॉड. इतना ही चाहूं बस अपनी बना दे, जो कहे दुनिया भुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया भुला दूं मैं. जो कहे दुनिया भुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना लूं मैं. बहुत सही गाया ये, टांग की सिंग. नो आई एम गोना गेट लाइक एक्स्ट्रा 5-6-7 डेरियम मिल्स फॉर सिंगिंग रॉन्ग लिरिक्स. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बाकी मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ. विश यू वेरी हैप्पी जर्नी. बाय. चलिए तो अनमोल आपका तो बहुत बहुत स्वागत है, आप अनु मलिक की बेटी हैं और ये उस लेगेसी को आगे. अनमोल बेटी अनु मलिक की अनमोल बेटी है. और आपने परंपरा आपने ऑलरेडी बोल दिया अनु मलिक की बेटी, एक्सपेक्टेशंस तो मतलब किस तरह का दबाव महसूस करती है और कितनी खुशी और कितनी नर्वस हो जाती है जब पहला काम आता है सामने. मैं नर्वस नहीं होती हूँ बट एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि 30 साल से मेरे पापा इंडस्ट्री में है, काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पीपल एक्सपेक्ट मी टू बिहेव इन अ सर्टेन वे. और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद की niche banao, that I should have my own voice. I think if I can achieve that, to main bahut khush hoon. Pehla gana aapne Begum Jam mein gaya? Nahi, mera sabse pehla gana tha jab main 5 saal ki thi. Nahi, Biwi number 1. Mujhe maaf karna. Wow. Yes. Aur ye gana ek baar hona chahiye aur ise jo yaad bhi na hona chahiye. Yes. Ye gana matlab oh god no. I love that song seriously. It's a very cute song. So cute. My god, it was so long back.
मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम, सबसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम. ये गाना आपको कैसे मिला था, इसका किस्सा बताइए. ये गाना आई थिंक क्योंकि गाने का ब्रीफ था कि दो बच्चे होंगे. आई थिंक द मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय डेविड सर एंड इट हैड सलमान सर एंड करिश्मा जी इन इट. तो एक ही लड़का था, फिर आई थिंक लास्ट मिनट वो चेंज हो गया कि एक छोटी सी बच्ची भी होगी. सो इन अ पैनिक डैड कॉल्ड मी टू द सेट एंड आई केम विद वाटर बॉटल एंड फ्रॉक एंड एवरीथिंग एंड आई सैंग द सॉन्ग एंड दे पेड मी सम मनी. बट कितने पैसे याद है मुझे बिल्कुल याद है क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने कैडबरी का बार दिया था. आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट, चॉकलेट मिला था. आई वॉज वेरी हैप्पी बट माई बिग ब्रेक एक्चुअली केम व्हेन आई वाज 16 और मैंने गाना गाया था टेली करके एंड आई थिंक आई वॉज टू यंग टू रियलाइज की द काइंड ऑफ सक्सेस दैट सॉन्ग सॉ. की जब वो गाना रिलीज हुआ तब सारे क्लब्स में बज रहा था और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्योंकि मुझे क्लब्स में अलाउड ही नहीं था. और एक दूसरी बात है, मुझे टल्ली का मतलब नहीं पता था और किसी ने बताया भी नहीं मुझे कि टल्ली व्हाट डज इट मीन, बिकॉज आई हैडन टेस्टेड अल्कोहल. तो मैंने बस थोड़े एक्सेंट में डाल के, बिकॉज आई हैड नेवर हर्ड दिस वर्ड बिफोर, और बस गा लिया और वो गाना बैठ गया. सुपर. पलक, आपको ना मैं ये कहूंगा आप नन्ही मदर टेरेसा हैं. आपने 1104 हार्ट ऑपरेशन जो है कंप्लीट कर लिए, अपने पैसे से आपने करवाए हैं और काफी समय से आप करवा रही हैं. और पलाश, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप बहुत काम कर रहे हैं, आप गाने भी लिखती हैं. तो सबसे पहले तो इस एल्बम के ये जो पहल एक गाना है, सिंगल है, इसके बारे में आप लोग बताइए कैसे इसकी शुरुआत हुई, आपने लिखा, आपने म्यूजिक बनाया. ये गाना एक म्यूजिक वीडियो है जिसमें एज पार्थ टोल्ड यू ऑल दैट अनमोल और पार्थ ने एक्ट किया है, डायरेक्ट किया है, स्टोरी लिखी है, म्यूजिक दिया है पलाश ने. मैं इस वीडियो का सबसे छोटा हिस्सा हूँ. नो नॉट एट ऑल, लिरिक्स लिखे हैं इस गाने के. बट आई एम सो प्राउड एज अ सिस्टर कि इतना ज्यादा टैलेंटेड है मेरा भाई. और डेफिनेटली सब लोग ये बोल रहे हैं कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना प्यार मिलेगा, बट मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट किया था कि इतना प्यार मिलेगा. पलक इज लाइंग. द थिंग इज, ये जो गाना है इसके बोल इतने प्यारे हैं. आई एम नॉट एन एक्टर, लेकिन मैं जो भी थोड़े बहुत इमोशंस दे पाई क्योंकि उनके जो बोल थे इतने अच्छे थे दैट आई कुड फील द सॉन्ग मच बेटर बिकॉज ऑफ हर. सो यस, एंड प्लीज टेल देम द स्टोरी ऑफ द 10 मिनटर. या सो मैंने इसमें अपेरेंटली लिरिक्स लिखे हैं और मैं एक राइटर नहीं हूँ, मैं सिंगर हूँ, राइटर बनना भी नहीं चाहती हूँ, बट मैं पलाश के लिए लिखती हूँ. डेफिनेटली पलाश अभी कंपोज करता है, आस्क मी टू राइट समथिंग. सो इस गाने का भी ब्रीफ वही था, मुझे 10 मिनट दिए गए थे ये गाना लिखने के लिए, 10 मिनट. एंड ऑलरेडी मैंने सिंगर को बुला लिया था, सिंगर ऑलरेडी स्टूडियो में आ चुका था. दीदी बहुत अच्छा, और मैंने पैनिक में लिरिक्स लिखे एक्चुअली. सो या ऑफकोर्स लिरिक्स लिखते वक्त मेरे जहन में सिर्फ डेडलाइन थी 10 मिनट की, बट आई एंजॉय राइटिंग दिस सॉन्ग. कैसे आपने जोड़ा सब लोगों को, बाकी मतलब पार्थ को, फिर अनमोल को? अनमोल का लाना, मतलब अनमोल को फीचर करना आपके लिए पहली बार, अनमोल किसी वीडियो में जा रही है, अनु मलिक की बेटी है, वो सुपर हिट गाने गा चुकी है और उनको एक वीडियो में. अनु सर की बेटी है लेकिन वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है. मैंने ये लिख के नहीं लिया कि वो अनु सर की बेटी है, दैट्स व्हाई आई वांट टू टेक हर. मैं हम लोग पार्थ में बैठे थे और मैंने अनमोल का पहला जो म्यूजिक वीडियो उसके पहले किया है वो देखा था, लम्हे, जो मोहित सूरी सर ने डायरेक्ट किया. मुझे बहुत अच्छा लगा, पार्थ को मैंने दिखाया, पार्थ को बहुत अच्छा लगा फेस, एंड वी वर लुकिंग फॉर सम इनोसेंट फेस जो स्टोरी में जाता है, जो इनोसेंस चाहिए था क्योंकि आपने देखा होगा एंड में जो होता है वीडियो में. सो वो लोग अटैच हो, लोग यू नो साथ में उसको एंड में उनको थोड़ा इमोशनल हो सके. एंड अनमोल वॉज बैंग ऑन, शी इज बैंग ऑन, सो बस शी इज देयर. एंड पार्थ की मैं मूवी कर रहा हूँ ऑलरेडी, गुगली हो गई, सो हम लोग वी मेट ऑन द सेट ऑफ गुगली हो गई एंड उसमें मैं म्यूजिक दे रहा हूँ, सो दैट्स हाउ वी केम फॉर दिस. और ये जो फैमिली है बहुत मल्टी टैलेंटेड फैमिली एक्चुअली. पलक तो है ही बहुत ही अच्छी सिंगर, ये गाने के जो बोल है माई गॉड पलक, ब्यूटिफुल लिरिक्स. एंड पलाश, आई ऑलवेज लव्ड हिज म्यूजिक, लेकिन अभी इसने जो वीडियोज किए हैं और कुछ अभी जो आगे आने वाले हैं, माइंड ब्लोइंग स्टफ. एंड seriously for such a young age the amount you both have achieved and we are working together. अभी आज ही मुझे पता चला है कि मैं अनमोल का वीडियो भी डायरेक्ट कर रहा हूँ. तो ये एक और आपके शो पे एक और अनाउंसमेंट. अगला वीडियो बन रहा है, सीक्रेट है मतलब. अच्छा मैंने सुना दिस इज हैपनिंग और नॉट. हेलो यू ओनली फोन मी. अच्छा आप ये बताइए, आपने मैंने सुना आपने फिल्म भी साइन कर ली या कर रही है, कुछ चल रहा है वो भी? अच्छा सर
ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक क्या चल रहा है, बाहर खबर तो आ चुकी है, इसलिए आप बता दीजिए क्या सच है। वो बस आई थिंक वील ऑल फाइंड आउट टूगेदर, इतना मैं अभी कह सकती हूँ। यशराज पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं मुझे, मैं भी पहली बार सुन रही हूँ, बट आई एम अ सिंगर फर्स्ट। और जितना प्यार आई थिंक एवरीबडी हैज गिवन दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू थैंक देम कि दे हैव गिवन मी लव डिस्पाइट नोइंग आई एम नॉट एन एक्टर, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जैसे अनाउंसमेंट्स के बारे में आप बात कर रहे हो, जब सरप्राइज, आई लिव इन सरप्राइजेस, आई लाइक दैट, आई लव सरप्राइजिंग पीपल हु लव मी, so in time I will let you know, but for now thank you so much for giving so much love to the team, we worked really hard. आपने इतना प्यार दिया तू जो कहे वीडियो को, and already crossed 3 million, so इतने सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं वीडियो के बारे में जैसे आपने कहा, so हम लोग इस पे बहुत ज्यादा खुश है, and future projects तो already rocking है। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आने वाले समय में आप कहाँ कहाँ सुनाई देंगी, आपकी आवाज कहाँ कहाँ सुन पाएंगे वो बता दीजिए। लकीली मेरी आवाज बहुत सारी जगह सुनाई देने वाली है, बिकॉज टचवुड बहुत अच्छा काम मिल रहा है, 200 अच्छा गाने हैं जो आने वाले हैं इस साल और नेक्स्ट साल, जो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, और हर दिन ऑलमोस्ट एक नया गाना रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत अच्छे कंपोजर्स के साथ काम करने को मिल रहा है, बहुत अच्छे गाने मिल रहे हैं, सो बहुत सारे गाने हैं। आई जस्ट होप कि जितना प्यार अभी तक मिला है, वो प्यार, वो ब्लेसिंग्स, वो सपोर्ट बरकरार रहे आगे भी। चलिए जाते आते एक धमाकेदार आपका गाना, जो आप तीनों एक साथ उसको एंजॉय करते हुए आप गाएं, तू जो ये अलविदा, हाँ क्या अभी सिंह तू जो कहे, चलिए तो मैं यहाँ आपसे अलविदा करता हूँ, ताकि जो जिसने देखा नहीं है गाना प्लीज जाके देखिए यूट्यूब पे, एक बार देख लिया तो भी मतलब तीनों 5 बार देखिए। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आपके इस गाने के लिए, आपके बॉलीवुड में वेलकम, और आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में थैंक यू। मुझको सजा दे या चाहे भुला दे, तुझ बिन जियो क्यों बस इतना बता दे, चाहे हंसा दे या चाहे रुला दे, इतना ही चाहो बस अपनी बना दे, तू जो कहे दुनिया भुला दो, मैं तुझको ही अपनी दुनिया बना दूं, मैं तू जो कहे दुनिया बना दूं, मैं तुझको ही अपनी दुनिया बना दूं मैं। थैंक यू थैंक यू।